We wanna go there. It's beautiful. Let's go. I've been waiting all my life. I'm waiting just to celebrate this life. I've been waiting all my. Celebrated with the big, bold, beautiful Nissan Magnite. नहीं देखो, मीटिंग आज हमारी बड़े पॉजिटिव नोट पे हुई है और हमें उम्मीद है कि रिजल्ट निकलेगा, लेकिन एक्चुअली ओखला के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ओखला के अंदर कूड़े की, नाले की, सीवर की, जगह जगह गंदगी, बहुत प्रॉब्लम है और पार्किंग की, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आज हम लोगों ने काफी टाइम से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी और बारिशों में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। लोगों की बेसमेंटों में पानी बहुत चला गया, नाले साफ नहीं हुए, जो सीट पड़ी हुई है वो उठी नहीं है तो दोबारा वो बह गई है। पीछे आपको पता ही होगा कि ओखला अंडरपास के अंदर भी 10-10 फुट पानी भर गया था और एक बंदे की डेथ भी हो गई है। तो हम लोगों ने ये सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि इसका रिजल्ट जरूर आएगा और आगे भी हम ऐसी मीटिंग अब कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। नगर निगम के अधिकारी आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखो, जो ये टीम आई है, इनके प्रीव्यू में जो है, ये उसको खुद करना चाहते हैं। मेरे पास आए थे, मेरे से बात करी इन्होंने और ये काम करने के इच्छुक हैं। इन्होंने एक महीना पहले ट्रांसफर होके आए हैं, इन्होंने मेरे से डिटेल में डिस्कशन की है, हमारी प्रॉब्लम को समझा है। हमें लगता है कि 1-2 महीने के अंदर इनकी परफॉर्मेंस नजर आनी शायद शुरू हो जाएगी। सर, इतना नुकसान होता है कि गारमेंट एक्सपोर्टर जैसे हैं, अभी हांडा जी खड़े हैं Z38 वाले, उनके पीछे कोई बाहर से बायर आया था, उनके बाहर ही पानी इतना बह रहा था कि बायर वापिस चला गया, वो आया ही नहीं उसके बाद दोबारा, तो उनका ऑर्डर भी वो कैंसिल हो गया। तो गंदगी की वजह से, पानी के भराव की वजह से इतना ज्यादा बिजनेस का नुकसान होता है। बेसमेंट जिनकी पानी आ रहा है, वो तो पहले एक अभी पीछे एक बंदे की बेसन में पानी आ गया, उसमें 1.5 करोड़ रुपए का उसका मटेरियल खराब हो गया, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। पोपली जी, क्या कहेंगे जब बारिश के मौसम आता है, तभी आप क्या करते इस तरीके की जो मीटिंग कर रही है? अगर ये मीटिंग बारिश से पहले और टाइमली हो जाती तो हो सकता है जो नुकसान की बात कर रहे हैं, जिस जो गंदगी की बात। देखो, हम तो मीटिंगें हर 2-3 महीने में करते ही रहते हैं ऑफिशियल्स के साथ। लास्ट टाइम भी हम लोग SGMC जब थी तब भी, और जब MCD बनी तब भी, हम तो लगातार हर 2-3 महीने में अपनी बात ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इतने ज्यादा मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं, कोई कहता है कि मेरे अंडर नहीं, कोई कहता है मेरे अंडर नहीं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या करना है और कैसे होगा। मैं PD शर्मा, प्रेसिडेंट ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज। समस्याएं तो मल्टीफेरियस हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया ओखला में हैं, और ये ऐसी हमारी संस्था है ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि एक्ट करती है एज ए वॉच डॉग फॉर आवर मेंबर्स। तो हम यही प्रयत्न करते रहते हैं हर समय कि जितने भी काम प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण किया जाए और मीटिंग बुलाई जाए अफसरान के साथ, जो आज हमने किया। MCD के अफसर आए हैं और हमें लगा है कि उनमें ईगरनेस है, और ये नया स्टाफ ट्रांसफर हो गया है। पिछले डिप्टी कमिश्नर्स को हमने दिखाया था, सारा राउंड लगवाए थे सारे एरिया के, और उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स को अध्ययन किया, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होने के कारण वो ज़्यादा समस्याओं का हल नहीं कर पाए। तो लेकिन अब ये स्टाफ नया आया है, हमें लगता है कि ये काम करने के इच्छुक हैं और हम इनको पूरी सपोर्ट देंगे और गाइडेंस देंगे कि ये सारा सुधार लाने की कोशिश करें। मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है, मेरी ओखला में एक गारमेंट एक्सपोर्ट की फैक्ट्री है। मैं वहाँ पे देखता हूँ कि जो फॉरन बायर्स आते हैं हमारे यहाँ, वो आगे पीछे की गंदगी देख के भाग जाते हैं, वो पसंद नहीं करते। तो इन चीज़ों को, जो कूड़ा है, गार्बेज है, उसको पर डे उठवाया जाए। इसके लिए जो पोपली जी ने जो एफर्ट किए हैं, जो मीटिंग बुलाई है, मुझे लगता है उससे काफ़ी फायदा होगा, लेकिन आगे देखते हैं किससे क्या हो सकता है। लेकिन MCD के स्टाफ ने एश्योर किया है कि वो सारा गार्बेज उठाएंगे और आगे हमारी मदद करेंगे कूड़ा उठाने में। तो हमारी तो यही आशा है कि जो हम मतलब टैक्सेस देते हैं या जो हम एफर्ट करते हैं और हम जो काम कर रहे हैं, मतलब समाज के लिए भी, उससे हमें कुछ रिटर्न मिले। मैं रजनीश गोयनका, चेयरमैन MSME डेवलपमेंट फोरम। देखिए, ये मेरा मानना है कि ये सब छोटे अधिकारी हैं। कई काम ऐसे मैंने, जैसे डिस्कशन हुई, मैंने महसूस किया कि कई काम ये कर ही नहीं सकते। इनके दायरे में हैं पर वो इतनी समस्या गंभीर हो चुकी हैं कि ये कह रहे हैं हम करेंगे उठा देंगे, ये कूड़ा उठा देंगे। अब बताइए, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
दिल्ली की नाक है, कहीं विश्व में बात करो तो वो कहते हैं अच्छा यू है आपका एक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, पर सबसे बड़ा मतलब बुरा हाल यहाँ सफाइयों का, सड़कों का, ट्रैफिक का ढेर लगे हुए हैं, सबसे बुरा हाल है। अभी भी हमारे कुछ जो एक्सपोर्टर हैं वो कह रहे थे इधर हमारे बाहर आते हैं तो हमें बड़ी शर्म आती है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो इन सिर्फ इंस्पेक्टरों के बस का नहीं है, उसके लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। अब वो एक इनका इंस्पेक्टर कह रहा था जी वो दो तरह की हैं, वो कहना चाह रहा था कुछ बीजेपी है कुछ आम आदमी पार्टी है। सर बीजेपी आम आदमी पार्टी एक अलग चीज़ है, समस्या पब्लिक की है। अगर है तो दोनों बैठ के इनका हल करें ना, अगर कहीं है तो हम जाके इन दोनों को पकड़ेंगे कि भैया आप बैठो अपनी पॉलिटिक्स करते रहो, पर पॉलिटिक्स में इंडस्ट्रियलिस्ट आम आदमी क्यों पिसे। तो ये बहुत इश्यू है। मैंने इन्होंने मेरे को बुलाया, मैं एमएसएमई को देखता हूँ राष्ट्रीय स्तर पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे चैप्टर्स हैं एमएसएमई के। हमारा मकसद है, पहले इसको बोलते थे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अब ये हो गया एमएसएमई डिपार्टमेंट। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।